नमस्कार दीजिए। निन्ने रह लोगे रोदो सब आगे कुछ आपके मन में तो कुछ पूछी है माता जी। राज को डांटती भी थी कि ये सब का करत लू बिल्कुल ना करे चाहिए। हां तो उनका का जवाब रहे? नहीं ये कुल के विषय में तो गाना में हम छूटे ये तो। हां हमारे भाई साहब महाराजगंज जिला से सिसवा बाजार से आए हैं मिलने के लिए, या हमारे शिल्पी बहन जो है शिल्पी राज से मिलने के लिए। और ये देखिए एक नर्सरी है यहाँ पर थी इनकी शिल्पी राज की माता जी। और तो चलिए उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है उनका एक्सपीरियंस, क्या कुछ बताने वाली हैं शिल्पी राज के विषय में। तो चलिए वीडियो को उनके पास ले चलते हैं और बातचीत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही बड़े स्टार से, भोजपुरी के सुपर स्टार शिल्पी राज के माता, बहुत ही कम समय में और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसको पाने के लिए लोग बहुत ही वर्षों का। और शिल्पी भाई से एक चीज और कहना चाहेंगे कि बड़े कम ही उम्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम इनकी माताजी से मिले, चूंकि हम इन लोग इनके गांव से मिले हैं करही पांडे, और करही पांडे भी इतना ढेर सारा प्यार मिला हमारी बहन जी के नाम से, चूंकि बड़ा इनका नाम है। बड़ा ही कम शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि भाई बड़ा ही ज़्यादा नाम है। और हम आए हैं माताजी से मिलने, स्कूल में यहाँ कार्यरत हैं, सो हम माताजी से आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए और प्यार लेने के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि भाई माताजी हम लोग को प्यार दे, दुलार दे, और इनको इनके चरणों में नमन है, नमस्कार है, और नमस्कार दीजिए। कुछ आपके मन में तो कुछ पूछिए आप माताजी से। पहला मेरा प्रश्न यही होगा माताजी से कि आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। छोटे स्तर से इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं शिल्पी राज जी, आपको कैसा लगता है ये बताइए। अच्छा लगता है। बड़ा ही गर्व महसूस करती है अपने बेटी पे। हाँ जन इथी रहे हमने के पूरा हो गए जो सपना रहे, सपना रहे चाहे वो कहत रही कि हम हमारे मुंह के मन के मन सम पूरा हो गए। अच्छा माता जी ये बताइए, आप शिल्पी राज को डांटती भी थी कि ये सब का करत लू बिल्कुल ना करे चाहिए, हां तो उनका का जवाब रहे? नहीं ये कुल के विषय में तो गाना में हम छूटे। ये तो हाँ ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें तो भाई बहन आप उनको कभी डांटी बोली नहीं कि चलो मेरी बच्ची जो कर रही है इसी में इन्हें गर्व हो रहा है? हाँ छूट दिए अपना, जिस तरह हम लोग को गर्व हो रहा है इस तरह इनको भी गर्व हुआ है। चूंकि रह गई बात की इन्होंने खूब छूट दिया जाए कि भाई हमारी बेटी है, हमारे देश की बेटी, हमारे गाँव की बेटी है, और इन्होंने बड़ा ढेर सारा ही कम शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा इनका नाम है। और हम लोग बड़ा ही दूर से हमारे भाई साहब महाराजगंज जिला से और हाटा जिला, हाटा खुशी महाराजगंज जिला सिसवा बाजार से आए हैं मिलने के लिए, या हमारे शिल्पी बहन जो है शिल्पी राज से मिलने के लिए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हम जो है कि हम इनके मित्र हैं, बहुत ही करीबी जो हमारे शिल्पी बहन इनसे तो महज 15-20 किलोमीटर की दूर सलीमपुर पड़ता है, ब्लॉक सलीमपुर पड़ता है, तहसील सलीमपुर पड़ता है, और वहाँ के हम निवासी डुमलिया सलीम खुरदरपुर के निवासी हैं। और माता जी से हम लोग मिलने हैं, बड़ा हम भी उत्सुक हुए कि भाई वीडियो बनाते हम भी थोड़ा सा माता जी से आशीर्वाद लेंगे, थोड़ा उनके बारे में हम भी जानेंगे, थोड़ा हम लोग भी मोटिवेट होते हैं भाई, इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। सो माता जी से हम मुलाकात हुई, इनके गाँव के लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा प्यार मिला, बड़ा ही सम्मान मिला, और माता जी हमें मिले। तो कुछ शब्द है जो हम माता जी से पूछना चाहते हैं, और बड़े ही कम शब्द में और बड़े ही कम टाइम में ये बात हम रखेंगे और पूछेंगे। तो भाई साहब हमारी बात जो है आप इनसे पूछिए, और ये बड़ी सौभाग्य का टाइम है कि हम लोग मिले हैं, क्या पता ये टाइम आने वाले टाइम में मिले कि ना मिले, ये माता जी से प्यार हमें मिले कि ना मिले, ये हमें क्या नाम है अब आज यहाँ है कल कहाँ रहें कोई पता नहीं, चूँकि आज हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का टाइम है। और हम माता जी से यही कहना चाहेंगे, माता जी जो बात रहती है वो बात हमें बताएँ, और कृपया करके हमें ये बताने की कष्ट करें कि मतलब हम भी आपके बेटे हैं, जो आपके मन में है वो हमें हमारे कैमरे और हमारे वीडियो के सामने रखने का कृपया करें। अच्छा माता जी बताइए पिछली बार वो कब आई थी? तो शादी में सुने माता जी की आई थी, भैया के शादी में 19 तारीख पे। तो बहुत कम आना जाना होता होगा घर पे, या फिर आते हुए समय निकाल के? अभी 19 तारीख है और तीसरा चल रहा है, ओकर बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल जब बोला दी आज की हमर बनी आ जाता है आदमी, कितने भाई बहन है? चार बहन है, लोग एक भाई, बड़े ही प्यार करते हैं। पांच लोग हैं टोटल, तो बहुत अच्छा परिवार है। और माता जी से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि मतलब हम भी इनके बच्चे हैं और ये भी हमारी माँ है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार मिला, और हमें अपना बच्चा ही समझ के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आप लोग भी जी आप लोग भी शिल्पी राज की तरह भाई बड़े हों, इनका आपका भी चैनल बड़ा हो और आप लोग भी पॉपुलर हों, ये माता जी का आशीर्वाद है। और ये भी माता जी से मनोकामना है कि भाई माता जी हमें प्यार देती रहें, दुलार देती रहें, फिर अगले टाइम आए तो इनसे प्यार और इनके हाथ का जरूर हमें
छोटा सा मतलब एक निवाला एक कहते हैं कि मतलब एक रोटी मिल जाए माताजी के हाथ से, और बड़ा ही हमें मतलब कि गर्व महसूस होगा कि माताजी के हाथ से खा के भाई हम लोग स्वर्ग की मतलब अनुभव होगा हमें। अच्छा बड़ा चैनल पे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा शिल्पी राज के माताजी से मिलके, और बहुत ही दिमागी बहुत ही सरलता से उन्होंने अपना जवाब दिया। तो आप भी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो देखिए कैसा लगा। सो प्यार बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारे भाई को भी मौका मिले कि मतलब शिल्पी राज से इंट्रोड्यूस और शिल्पी राज से इंटरव्यू मिले, माता जी के अकॉर्डिंग माता जी का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे।